हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए संस्कृत व्याकरण की एक टॉपिक विशेषण प्रकरण लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, विशेषण प्रकरण के इस टॉपिक में मैं आप सबको बताऊंगी कि विशेषण क्या होते हैं और उनके प्रकारों को कुछ उदाहरणों के साथ समझाऊंगी। फ्रेंड्स, विशेषण संस्कृत व्याकरण के साथ साथ हिंदी व्याकरण में भी होते हैं, जो कि दोनों समान होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये संस्कृत व्याकरण के साथ साथ हिंदी व्याकरण में भी काम आएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो संस्कृत सीखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं विशेषण क्या होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, महान पुरुष, इसका अर्थ होता है महान पुरुष। यहाँ महान विशेषण है। पुरुष एक संज्ञा है जिसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह महान है, इसीलिए यहाँ पर महान विशेषण है। विशेषण के बाद जानते हैं विशेष्य के बारे में। विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता को बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। उसी एग्जाम्पल को सेम ले रहे हैं, महान पुरुष, इसका अर्थ है महान पुरुष। यहाँ पुरुष विशेष्य है क्योंकि पुरुष की विशेषता को बताई जा रही है कि वह महान है, इसीलिए यहाँ पर पुरुष विशेष्य है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं विशेषण के प्रयोग कैसे किए जाते हैं। विशेषण का प्रयोग विशेष्य के लिंग, वचन एवं विभक्ति के अनुसार होता है। यदि विशेष्य पुल्लिंग एकवचन का है तो उसका विशेषण भी पुल्लिंग एकवचन में ही होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, प्रिया कन्या, इसका हिंदी में अर्थ होता है प्यारी बेटी। इस एग्जाम्पल में कन्या एक विशेष्य है जो कि स्त्रीलिंग एकवचन में है। कन्या के लिए प्रयोग किया गया विशेषण प्रिया भी स्त्रीलिंग एकवचन में ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब विशेषण के भेद के बारे में जानते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। संस्कृत व्याकरण के जैसे ही हिंदी व्याकरण में भी यही चार भेद होते हैं विशेषण के। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इन विशेषण के चारों प्रकारों को कुछ एग्जाम्पलों के साथ बारी बारी से देखते हैं। तो पहला भेद है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं। जिस विशेषण से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव, रंग संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। आइए इसे कुछ उदाहरण के साथ समझते हैं। मधुरम फलम, जिसका अर्थ होता है मधुर फल। शीतलम सलिलम, यानी शीतल जल। कृष्ण सर्प, यानी काला सांप। उन्नत पर्वत, ऊंचा पर्वत। सुंदरम पुस्तकम, सुंदर पुस्तक। इन उदाहरणों में मधुरम, शीतलम, कृष्ण, उन्नत, सुंदरम, ये सभी के सभी गुणवाचक विशेषण हैं। अगला प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं। जिस विशेषण के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम के संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चत्वारह बालका, चार लड़के। चत्वारी फलानी, चार फल। एका बालिका, एक लड़की। प्रथमा पुरुष, पहला पुरुष। तीसरा नार्य, तीन नारियाँ। एकस्मिन नगरे, यानी एक नगर में। फ्रेंड्स, इन सभी उदाहरणों में चत्वारह, चत्वारी, एका, प्रथमा, तिस्त्र, एकस्मिन, ये सभी के सभी संख्यावाचक विशेषण हैं क्योंकि ये संख्या को दर्शा रहे हैं। आई होप कि आपको ये संख्यावाचक विशेषण समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब आगे तीसरा भेद को समझते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब तीसरे प्रकार को समझते हैं। तीसरा प्रकार होता है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं। जिस विशेषण के द्वारा किसी वस्तु के मापी या तौली जाने वाली विशेषता का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एक किलो परिमितम अन्नम, मतलब एक किलो अनाज। दो किलो परिमितम घृतम, मतलब दो किलो घी। इस उदाहरण में एक किलो और दो किलो परिमाणवाचक विशेषण है। इस उदाहरण में एक किलो और दो किलो परिमाणवाचक विशेषण इसीलिए है क्योंकि इस वस्तु का अमाउंट हमने तौल कर जाना है, इसीलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है। तो आइए फ्रेंड्स, अब विशेषण के चौथे प्रकार सार्वनामिक विशेषण को समझते हैं। सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं। जो सर्वनाम विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, अयम बालकः, मतलब यह लड़का। एषः छात्रः, मीन्स यह छात्र। इयम बालिका, मतलब यह लड़की। एषा बाला, मीन्स यह बाला यानी लड़की। अस्मिन नगरे, मतलब इस नगर में। कस्मिन नगरे, मीन्स किस नगर में।
फ्रेंड्स, इन उदाहरणों में अयम, एसा, इयम, एसा, अस्मिन, कस्मिन, ये सभी के सभी सार्वनामिक विशेषण हैं, जो कि सर्वनाम है और विशेषण का काम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहे विशेषण और विशेषण के चारों भेद उदाहरणों के साथ। आई होप कि आपको विशेषण के टॉपिक समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, विशेषण के साथ हम एक और नया चीज सीखते हैं, प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होते हैं? जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अति सुंदरी बालिका, इसका मतलब होता है बहुत सुंदर लड़की। यहाँ इस उदाहरण में सुंदरी विशेषण है और अति प्रविशेषण है। अगला एग्जाम्पल है अति मधुरम फलम, मतलब बहुत मीठा फल। यहाँ मीठा का भी विशेषता बताया जा रहा है कि वह बहुत मीठा है, इसलिए यहाँ पर अति प्रविशेषण है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो सच में पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।